वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगल टोन एफएम। सिंगल टोन एफएम में हमारी इक्वेशन है मॉड्यूलेटेड, जो कि मैं जनरल इक्वेशन देखी, ST is equals to AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integration MT DT। सिंगल टोन का मतलब यह है कि अब मैसेज सिग्नल डिफाइन किया जा चुका है। अब मैसेज सिग्नल है आपका साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल, दैट इज लेट MT इक्वल टू AM cos 2 pi FMT। हमने मैसेज सिग्नल ले लिया साइनसॉइडल, AM मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और FM जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। चलिए इस इक्वेशन में पुट डाउन करते हैं, ST इज इक्वल्स टू AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integration AM cos 2 pi FMT। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2 pi FM आ जाएगा डिनोमिनेटर में। S of t is equals to AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF divided by 2 pi FM AM cos 2 pi FMT। 2 pi से 2 pi cancel, sorry, integration of cos theta will be sin theta, ये जाएगा आपका sin 2 pi FM। 2 pi से 2 pi cancel, KF into AM होता है आपका delta F, एक नई quantity है। KF into AM is referred as delta F. Delta F is called as maximum frequency deviation. Maximum frequency deviation का मतलब ये होता है कि आपका signal center frequency या फिर carrier frequency से कितना ज़्यादा deviate हो पाया है एक तरफ, वो होता है आपका डेल्टा एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डेल्टा एफ की इंडिया में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, रेडियो चैनल्स के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 75 किलोहर्ट्ज। अब हम इस के एफ इनटू एएम को यहां पर चेंज कर देते हैं डेल्टा एफ से, तो आपको नया पैरामीटर मिलेगा, वो होगा आपका डेल्टा एफ अपॉन एफएम। डेल्टा एफ अपॉन एफएम इज रेफर्ड एज बीटा। आप डेल्टा एफ अपॉन एफएम इज रेफर्ड एज बीटा। बीटा इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम। जैसे एएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स न्यू था, वैसे एफएम का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो बीटा है। तो डेल्टा एफ अपॉन एफएम को रेफर करते हैं हम बीटा। यहां पे आपको नई इक्वेशन मिली, एसी कॉस 2 पाई एफसीटी प्लस का बीटा साइन 2 pi FMT. This is the equation for single tone FM. Thank you.